नमस्कार, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। दिल्ली के राजनीति में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद हलचल मच गई है। आम आदमी पार्टी सरकार के दो मंत्रियों मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच मंगलवार को कैबिनेट से इस्तीफा भी दे दिया है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनके इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। और इस मामले को लेकर आप और बीजेपी में जोरदार वार पलटवार भी हुआ है। बुधवार को बीजेपी दिल्ली में इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन भी करेगी। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मार्च के पहले ही दिन मौसम ने करवट बदली है और मौसम विभाग ने अगले दो घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम दिल्ली, दक्षिण पश्चिम और इसके साथ ही दिल्ली और दिल्ली एनसीआर और इसके साथ ही आपको बता दें कि आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद जताई है। और दिल्ली के आसपास का मौसम सुबह से ही सुहावना बना हुआ है और मौसम विभाग ने अगले दो महीने के लिए गर्मी का पूर्वानुमान भी जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार मार्च से ही मई के दौरान पूर्वोत्तर, पूर्व और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों से सामान्य से ही अधिक रहने की संभावना जताई गई है। देश में बाकी हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य या उससे कम रहेगा। बिजनौर के ही धामपुर में भारतीय किसान यूनियन भानु उत्तर प्रदेश ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ही निजी ट्यूबवेल के बिल माफ करने पर मोटरसाइकिल रैली निकाली है। और इस दौरान किसानों ने बताया है कि सरकार ने उनकी मांग को पूरा किया है और जिस पर वो आज धामपुर में ही रैली निकाल रहे हैं। बताते चले कि मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन भानु के बैनर तले क्षेत्र के ही किसान SDM कार्यालय इकट्ठा हुए और जहाँ से किसानों ने मोटरसाइकिल रैली निकाली। चंद्रप्रकाश जी, आज जो बाइक रैली निकाल रहे हैं, कहाँ से आई है रैली और कहाँ तक जाएगी ये हमें किस संबंध में निकाल रहे हैं रैली? ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे किसानों की मांगे पूरी तो खैर नहीं कर सकते, लेकिन अभी जो है पानी फ्री कर दिया है। जो 5 साल तक नलकूप है, कोई भी जो नलकूप है यानी उस पर कोई बिजली का चार्ज नहीं लगेगा, फ्री पानी व्यवस्था करेगी। और अब इसी उसमें जो है किसान अपना यहाँ से 3300 से शुरू कराया हम लोगों ने और 3300 शुरू करके और इधर नगीना चौक RCM चलाया और सीला टाके जो थे बाकी 3300। मैनपुरी के थाना कुरावली क्षेत्र के एक गांव में युवक की पीट पीट कर हत्या का मामला सामने आया है। हत्या का आरोप गांव के ही लोगों पर लगाया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक अधेर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है और पुलिस मामले की जांच में भी जुट गई है। हत्या आरोपी फरार बताया जा रहा है और थाना कुरावली क्षेत्र के गाँव नगला गुलाल में ही 50 वर्षीय अधेर को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। जानकारी के अनुसार जनपद फिरोजाबाद के थाना सराना क्षेत्र के गांव अमर सिंह निवासी प्रेम पाल यादव सरसों की प्रेसिंग का काम करते थे और मृतक कई दिनों से ही नगला गुलाल में सरसों की थ्रेसिंग का काम कर रहे थे और सरसों की कटाई पहले करने को लेकर गांव के ही लोगों से विवाद हो गया। आरोप है कि गांव के ही नामजद लोगों ने प्रेम पाल यादव के साथ मारपीट की है और जिससे उसकी मौत हो गई है। पूरी घटना पर ही एडिशनल SP राजेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि मृतक के शरीर पर ही चोटों के निशान पाए गए हैं और मृतक प्रेम पाल का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। आरोपित मौके से फरार है। मामले में कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। घटना पर पूर्व सदर विधायक राजू यादव ने कहा है कि जाति विशेष के लोगों ने प्रेम पाल यादव को पीट पीट कर मौत के घाट उतारने की घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अंकुल कुमार। पिता का नाम? दिनेश। कहाँ रहते हैं? नगला कुतुरुआ। थाना कौन सा लगता है? ओछा। अच्छा, ये क्या बात हुई, कैसे इनकी मृत्यु हुई है? इनकी मौत ऐसे हुई है, हम लोग ट्रैक्टर चला रहे थे वहाँ पर कटर पे, हम दूर खड़े थे, ये कटर पे दाब रहे थे, यहाँ से जाके लड़कों ने सीधा ट्रैक्टर बंद किया। ट्रैक्टर बंद करने के बाद हमने क्यों किया, कैसे हो गया बोड़ी का, हम ट्रैक्टर में आँच दे देंगे। अभी ट्रैक्टर में आँच क्यों दे देंगे? कौन लड़के थे? ये इसी गांव के थे, ठाकरों के लड़के, उनने जाके इनकी मारपीट की सीधे। हाँ, मारपीट करके इनके प्राण निकाल दिए उसके खेत में ही। मारपीट करने से इनकी मृत्यु हुई है। हाँ सर, कुरावली थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है, क्या पूरा ये मामला था?
थाना कुरावली में एक मामला अभी आया है गुलालपुर गांव का। इसमें एक प्रेमपाल यादव है जो जसराना थाना क्षेत्र के फिरोजाबाद के रहने वाले हैं। ये अपना थ्रेशिंग का काम करते हैं, सरसों थ्रेशिंग का काम ट्रैक्टर से करते हैं। तो गुलालपुर गांव में कई दिनों से ये जो है सरसों के खेतों में थ्रेशिंग काम कर रहे थे। इसमें बात ये सामने आई है कि कुछ लोग कह रहे थे मेरे खेत की आज पहले कर दो, उसी बात पे लेकर इनका वाद विवाद हुआ है और ये वहाँ पे इनकी डेड बॉडी मिली है मृत अवस्था में और इसमें कुछ चोटें उनके शरीर पे दिखाई दे रही है, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। कासगंज से खबर है जहां आंखों में मिर्च डालकर सुनार की दुकान में लूटपाट की कोशिश की गई है और 6 जोड़ी चांदी की इसके साथ तोड़ियां भी छीन कर भागने की भी कोशिश की गई है। आरोपी को सुनार और लोगों ने दौड़ाकर पकड़ लिया है, जिसके बाद पकड़े गए आरोपी की लोगों ने धुनाई भी कर दी है। वहीं आरोपी के पास से मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। बता दें आपको कि कासगंज सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला जय जय राम सवार वाली गली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहाँ पर आरोपी चोर को फिलहाल पकड़ लिया गया है। जो आपके आपके साथ क्या घटना घटित हुई है? ये मेरे पास आए थे और पाजे दुखाने का, मैंने पाजे दुखाई ना, 5-10 मिनट दुखा चुका मैं उनको, तो घट्टी हो सामने हमारे इसलिए का छीलू घास लो और मेरी आंखों में चौंक दी उन्होंने, पहले मेरे चौंक उसको लेकर भागे नहीं एकदम, फिर मैंने बाहर सो गया अपनी चिंता न करते हुए सड़क पर मैं पढ़ लिया। कितने लोग थे? अकेले थे ये। अब कहाँ है वो? अभी थाने में समय। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बसेरी गांव की रहने वाली पीड़ित महिला ने अपने बच्चों सहित कलेक्ट्रेट पहुंचकर ससुराल जनों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। बता दें पूरा मामला जिलाधिकारी कार्यालय से सामने आया है, जहां उत्तरा कोतवाली क्षेत्र के बसहरी गांव की रहने वाली पीड़ित महिला ने अपने बच्चों सहित जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ससुराल जनों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। और वहीं जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि विगत 11 साल पहले उसकी शादी हो गई थी और उसके 2 बच्चियां, वो भी एक बच्चा और एक पति के द्वारा ही आए दिन मारपीट जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है और वहीं ससुराल जनों के द्वारा भी प्रताड़ित किया जाता है और बेटे के द्वारा स्थानीय पुलिस को भी सूचना दी गई, लेकिन पुलिस के द्वारा ही कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते उन सभी के हौसले बढ़ते ही जा रहे हैं और इसके चलते पीड़ित महिला ने अपने बच्चों सहित जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? पंचन। कहाँ से आई? अतारा। तहसील? अतारा ही लगती है। तहसील में अतारा? थाना अतारा। अच्छा, किस समस्या को लेके आए, क्या है मामला? मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे 5 महीने पहले मुझे मार के निकाल दिया था। कौन निकाल दिया था? मेरा पति। और मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगा थे और मैं थाने में भी कहा, कोई सुनाई नहीं हुई और मैं अपने मायके। बलरामपुर के मॉडर्न थाना श्री दत्तगंज के राजेंद्रगंज में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता ने फांसी लगा ली और जिसके बाद कमरे से विवाहिता महिला का शव बरामद किया गया है। वहीं मौके पर थाना श्री दत्तगंज पुलिस पहुंचकर शव का पंचनामा किया गया और पुलिस ने ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। गोंडा से खबर है जहां भाजपा सांसद कृतिवर्धन सिंह ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बजट पर सांसद ने पत्रकारों से चर्चा की है और सांसद ने पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि तुलसी पर बयान देने वाले ढूंढ रहे राजनीतिक अस्तित्व और उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार से भारत की वैश्विक स्थिति सुधरी है। जो हमारे मिडिल क्लास है, जो हमारे पिछड़े लोग हैं, जो हमारे दलित लोग हैं, शोषित लोग हैं, उनको एक समान पायदान पर ले जाने वाला बजट है ये। आज हमारा देश एक इस तहजील पे खड़ा है जहाँ पे हम लोग एक विश्व में एक बड़ी सरकार, बड़ा ताकत बन सकते हैं और जो G20 में हमारे प्रधानमंत्री जी को G20 का अध्यक्ष बनाया गया, एक ये अपने में एक बहुत बड़ा संदेश है और ये जो बजट है इन सब चीज़ों को लेके चल रहा है कि आगे अपने देश के 25-50 साल की नींव इस बजट से निर्धारित होगी और इस बनेगी। जहाँ तक कि गोंडा की बात है, जो 150 कुछ स्टेशन लिए गए हैं जो दुनिया के मानक पे उनका विकास होगा रेलवे स्टेशन, उसमें आपका गोंडा खुशी हमें बताने में कि गोंडा को भी लिया गया है, गोंडा स्टेशन भी का भी विकास होगा, उस तरीके से विकसित होगा। और उसके साथ साथ जो बजट में सारे पूरे देश में को आगे बढ़ाने की बात है,
चाहे हमारे गरीब हों, किसान हों। यूपी के पीलीभीत जनपद में बीते दिन ही न्यायालय परिसर में पेशी के लिए लाए गए गैंगस्टर एक्ट का मुजरिम फरार पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया है और जिसको पुलिस ने मुठभेड़ के बाद ही गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान ही पुलिस टीम की कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली भी लगी है। बताते चले कि बिसलपुर कोतवाली इलाके के ही गोबल पतिपुरा गांव के रहने वाले सचिन को ही बिसलपुर पुलिस द्वारा ही गैंगस्टर एक्ट के मामले में गिरफ्तार किया गया था और पुलिस अभिरक्षा में सोमवार को ही आरोपी को पीलीभीत के गैंगस्टर कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था और इस दौरान ही आरोपी पुलिसकर्मियों को शौचालय जाने की बात कहकर शौचालय में बंद हो गया था और जब पुलिस कर्मचारियों ने शौचालय का दरवाजा तोड़कर देखा तो आरोपी अंदर नहीं था। आरोपी के फरार होने की सूचना से हड़कंप मच गया था और पूरे मामले में बिसलपुर पुलिस समेत तमाम अन्य टीमें आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगाई गई थी। यूपी के पीलीभीत जनपद में गन्ना लदी ट्रैक्टर ट्रॉली को ओवरटेक करने के दौरान टक्कर हो गई और जिसमें किशोर की मौत हो गई है। उसके बाद जमकर हंगामा हुआ है। पिकअप में रखकर पोस्टमार्टम भेजे जा रहे शव को परिजनों ने पिकअप से उतार लिया और उसके बाद हाथों में लिए पैदल थाने ही चले गए और इस बीच ही पुलिस से हल्की झड़प हुई है और हालांकि बताया जा रहा है बाद में सख्त कार्रवाई का आश्वासन देकर मामला भी शांत करवा लिया गया है। हो गई थी काफी देर तक परिजनों ने रोड भी जाम किया था, किस तरह कार्रवाई की जा रही है और क्या? देखिए आज सुबह की ये घटना है जिसमें कि दो ट्रैक्टर आपस में भिड़ गए थे और जिसमें इन ट्रैक्टर में गन्ने लदे हुए थे और गन्ने जो उसी ट्रैक्टर पे जो ड्राइवर के साथ में एक 15-16 वर्षीय बालक बैठा हुआ था उसके वो गन्नों के नीचे आ गया जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई। इस पर परिजनों द्वारा थोड़ा हंगामा किया गया और जो दूसरा ट्रैक्टर था उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। हमारे द्वारा इसमें पुलिस थाना गजरौला पुलिस द्वारा इसमें शीघ्र कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर बरामद कर लिया गया है और जो उसमें इसमें अभियोग भी पंजीकृत करा दिया और इसमें जो पब्लिक थी उसको समझा बुझा के शांत करा के वहाँ से हटाया गया है और जो बालक है उसका पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है और आगे इसमें लोग अभियोग पंजीकृत कर इसमें आगे कार्रवाई करेंगे। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। अलीगढ़ में ही आगामी दिनों में आ रहे होली पर्व को लेकर जिला मुख्यालय में एक पीस कमेटी का आयोजन किया गया है और एसएसपी कलानिधि नेथानी ने भी अध्यक्षता में आयोजित हुई इस बैठक में शहर के सभी धर्मों में संभावित लोगों के अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और साथ ही वरिष्ठ पुलिस और प्रशासन के लोग इस बैठक में शामिल रहे हैं और बैठक में निर्णय लिया गया है कि महानगर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात की जाएगी पुलिस और इसके साथ ही संवेदन शील इलाकों में भी विशेष चौकसी रखी जाएगी। वहीं एसएसपी कलानिधि नेथानी ने सभी धर्म गुरुओं से अपील की है कि आने वाले त्यौहार पर शांति व्यवस्था बनाए रखें और इसके लिए हम सभी को पहल करनी होगी और साथ ही अति संवेदनशील इलाकों में ही पुलिस की अतिरिक्त व्यवस्था की जाएगी और जिससे शहर का माहौल खराब ना हो और पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात रहेगी। आने वाले त्यौहार शबे बारात और होली इनके संदर्भ में एक बैठक यहाँ पर की गई। जनपद के सभी सम्भ्रांत लोग धर्मगुरु आदि सभी आए थे, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। जो तैयारियां परंपरागत रूप से की जाती हैं और कैसे परंपरागत रूप से सकुशल त्यौहार को संपन्न कराया जाए ये एक रूटीन प्रक्रिया है, क्या प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं हर चीज़ से संबंधित, चाहे वो नगर निगम हो, अग्निशमन हो, बिजली विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, सभी की तैयारियों के बारे में लोगों ने अपने इनपुट भी दिए और हमारे द्वारा भी अपने अधीनस्थों को डायरेक्शंस दिए गए हैं ताकि हर्षोल्लास के साथ त्यौहार मने और एक सुरक्षित वातावरण में ये त्यौहार मनाया जाए। होली और शब बारात का एक साथ त्यौहार आया है और 6 और 7 में, क्योंकि शब बारात है और 7 तारीख की होली है, उसी सिलसिले में ज़िला प्रशासन ने एक बैठक बुलाई थी और उसमें सभी समाज के और सभी धर्म के लोगों को बुलाया ताकि उससे मुतालिक जो भी बात हो वो की जाए। तो उसमें एक तरीके से जो हमारे साथ में चीज़ें थी जो मस्जिद से मुतालिक थी वो सबको बता दिया गया है प्रशासन को। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी के सीमा फाटक से खबर है जहां रेलवे विभाग की बड़ी लापरवाही एक बार फिर से सामने आई है। कई घंटों तक फाटक पर मालगाड़ी ट्रेन खड़ी रही और फाटक पर ट्रेन खड़ी होने से स्कूली छात्र और राहगीर जान जोखिम में डालते नजर आए हैं। फाटक बंद कर होने की कई घंटों तक लंबा जाम भी लगा रहा। खड़े खड़े एक घंटा हो गया
बच्चे स्कूल के बच्चे ट्रेन के नीचे से निकल रही, ऊपर से निकल रही, महिला निकल रही है, बस एक घंटे से हो गया और कम से ये ट्रेन आगे बढ़ने नहीं है, ये पड़ा लगा हुआ है। कहाँ पर, किस जगह पे है ये ट्रेन? ये सीमा फाटक पे है। तो कम जब जी एक घंटा हो गया मैं ना पे सीमा फाटक पे, मैं बच्चों को खुदा खुदा निकल रहा हूँ, स्कूल बच्चे भी आ रही ना पे, महिला भी निकल रही ना से, कम से कम एक घंटे से ऊपर हो गया। तो आप भी निकाल लें? जी हाँ, मैं निकला था ऊपर से भी, आपको सामने निकाला था मैंने, एक मुझे एक घंटे से ऊपर हो गया, मेरे बच्चे निकल रही हैं, स्कूल के बच्चे निकल रही और सब बच्चों आपको मैं निकला, एक घंटे से खड़ी ट्रेन नहीं, ट्रेन आगे बढ़ नहीं है। जान जोखिम में डाले, जान गोजी में डाल लीजिए, नहीं क्या करें, मजबूरी है, निकलने पड़ रहा है, क्या करें यार। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम बिलाल है। प्रदेश की योगी सरकार भले ही नौनिहाल बच्चों के विद्यालय को मॉडल स्कूल बनाने का दावा कर रही हो, लेकिन अभी भी एक विद्यालय ऐसा है जहां पर बच्चे डर के साए में अपनी पढ़ाई करने को मजबूर है। उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद के बसरेहर ब्लॉक के ही हिंदपुरा गांव में मौजूद प्राथमिक विद्यालय की इमारत इतनी जर्जर हो चुकी है कि कभी भी गिरकर हादसे का शिकार हो सकती है। नौनिहाल बच्चों के अभिभावक और विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापकों के जरिए विद्यालय की इमारत के ही धार के कई बार लिखित में मांग करने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है और विद्यालय के कमरों की दीवारें चटक चुकी हैं और लेंटर भी झड़कर लगभग आधा खत्म हो चुका है। विद्यालय की इमारत इतनी जर्जर हो चुकी है कि कभी भी गिरकर बड़े हादसे का बच्चे शिकार हो सकते हैं। क्या नाम है आप? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र जी, आपके ग्राम पंचायत में हितपुरा में जो स्कूल की झंझट पड़ा है, बच्चे बैठते हैं, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? हमने कई बार मांग भी की है स्कूल नए बनाने की, बहुत स्थिति खराब है यहाँ, और माँ साहब ने भी कई बार हमसे अवगत कराया, मैंने धर्मेंद को सचिव जो हैं उनको भी लिखित विज्ञापन दिया और अभी तक यहाँ कोई भी किसी तरीके की कोई व्यवस्था सही नहीं है, जिससे बच्चे बहुत दिक्कत में आते हैं। कितने बच्चे रह रहे हैं स्कूल में? बच्चे कितने? 100 बच्चे लमसम होंगे स्कूल में। क्या नाम है आपका? सत्यवीर। ये स्कूल के आप कौन हैं? स्कूल के नाना अध्यापक हैं। स्कूल आपके जर्जर पड़ा है, ये कब से पड़ा है? हाँ, जर्जर है, इसके लिए कई बार हमने जो है BRC में ब्लॉक पे प्रधान जी को और यहाँ तक BSA कार्यालय तक में एप्लीकेशन दे दी है इसके लिए और रिसीविंग भी हमारे पास रखी हुई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कितने बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में? बच्चे यहाँ छात्र संख्या 106 है। योगाचार्य स्वामी यज्ञवीर जी महाराज द्वारा ही जमीयत उलमा हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने शास्त्र किए जाने को लेकर देवबंद पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए भारी इंतजाम किया था। स्वामी यशवीर के देवबंद पहुंचने के ऐलान के चलते मंगलवार को पुलिस प्रशासन ने नगर में भारी सुरक्षा व्यवस्था करते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए और वहीं आला अधिकारियों ने भी हालात पर नजर जो है बनाए रखी। वहीं दूसरी ओर स्वामी को उनके समर्थकों के साथ मुजफ्फरनगर में ही प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया और उन्हें जनपद सहारनपुर की सीमा अब तक भी नहीं पहुंचने दिया गया। झांसी से खबर है जहां बड़ी माता का मंदिर मात नपुरा में नाली की रेलिंग कई महीनों से ही टूटी पड़ी है और इस कारण महिलाएं देवी जी के दर्शन के लिए आती हैं और नाली के गड्ढे में परेशान और चोटिल भी हो जाती हैं। इसी प्रकार छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों जो स्कूल के लिए जाते हैं उन्हें भी असुविधा का सामना करना पड़ता है और आए दिन वाहन भी फंस जाते हैं गड्ढों में और सैकड़ों तो दुर्घटनाएं होने के बावजूद भी नगर पालिका के अधिकारी कुंभकर्ण की नींद सोने के लिए मजबूर नजर आ रहे हैं। क्या नाम है आपको? राहुल तिवारी नाम है। क्या समस्या है? यहाँ समस्या जो है कई दिनों से जो जाली टूट गई है, कोई निवारण नहीं मिल रहा है नगर पालिका का से, तो रोज आज दिन रोज यहाँ पे आदमी गिरती है, घटना होती है, कब जो बेचारी बच्ची गिर पड़ी नाली में, उसका पाँव में फ्रैक्चर हो गया है, रोज यहाँ पे घटना होती है। संतोष जी बताए, वार्ता करते हैं संतोष कुमार शर्मा जी से। इस समय हम खड़े हुए हैं मातनपुरा बड़ी माता के मंदिर के पास, क्या समस्या है? ऐसा है जी कि हमारे यहाँ पर नाली बनी हुई है, इसकी सारी गेट टूट चुकी है,
इसमें आए दिन बच्चे गाड़ियां जो दर्शन करने के लिए औरतें आती हैं वो भी गिर जाती हैं। काफ़ी लोगों के तो पैरों में फ्रैक्चर हो गया है। अभी एक दिन एक मोटरसाइकिल वाला इसमें गिर गया, 3 दिन पहले की बात है, तो वो उसमें उसकी बच्ची के उसका सर फूट गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।